तो राजनेताओं के तीखे बोलों का चलन अभी से नहीं है, इसके पहले भी रहा है और हर बार हम देखते हैं कि जैसे ही चुनाव आते हैं लगातार उनकी जो भाषा है, जो बोली है, लगातार तीखी होती रहती है, तल्ख होती रहती है। ऐसे में एक बार फिर से कई दिग्गज प्रचार के लिए पहुंचने वाले हैं और दिग्गजों का जो प्रचार है वो शुरू होने वाला है। तो दिग्गजों का प्रचार, यही पांच का पंच की तीसरी खबर भी है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बड़े नेताओं के चुनावी दौरे शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, लोकसभा चुनाव प्रभारी, सहप्रभारी समेत दिग्गज नेता मैदान में उतर चुके हैं। इसी कड़ी में 7 अप्रैल को पीएम मोदी जबलपुर में तो राहुल गांधी 8 अप्रैल को मंडला में सभा को संबोधित करेंगे। इधर छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बस्तर में चुनावी सभा होनी है, जिसकी तैयारियां बीजेपी ने शुरू कर दी है। सभा के लिए पार्टी के केंद्रीय संगठन से प्रदेश भाजपा को मौखिक सूचना मिली है। 8 अप्रैल को संभावित तारीख बताई जा रही है। तो दिग्गजों का प्रचार अभियान शुरू होने जा रहा है। पहले चरण के लिए पीएम मोदी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे। पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटें हैं तो बस्तर छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट है जहां पर लोकसभा का चुनाव होना है।